हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग ऑन साइट वर्क की। जानेंगे कि ऑन साइट वर्क क्या होता है, किसको ऑन साइट बोलते हैं। अधिकतर ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो बस अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, ऑन साइट का क्या मतलब होता है। तो बने रहिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं ऑन साइट वर्क की, ठीक है। तो अगर मैं ऑन साइट को डिफाइन करूं तो ऑन साइट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और अगर मैं जॉब के सिलसिले में बात करूं तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अरे वो फलाना जो है ऑन साइट जाके काम करके आया, ठीक है, वो पर्सन जो है ऑन साइट काम कर रहा है, या मेरा दोस्त जो है ऑन साइट गया है कंपनी के थ्रू। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये ऑन साइट बेसिकली होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑन साइट मीन्स यू वर्क एट एन ऑफिस, जॉब साइट और अ लोकेशन, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट टू वर्क, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब वही होता है, ऑन साइट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस, और ऑन साइट वर्क का मतलब होता है ऑन साइट वर्क जो है वो किसी भी ऑफिस में हो सकता है, एक पर्टिकुलर जॉब साइट में हो सकता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो सकता है जहां पे आप लोगों को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है काम के रिगार्डिंग, ठीक है। और वहां पे आपको फिजिकली जाके जो है काम करना पड़ता है, तो जिसको हम बेसिकली ऑन साइट वर्क बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म में इसको समझाने की कोशिश करूं तो ऑन साइट मीनिंग या फिर ऑन साइट वर्क का जो मीनिंग है इज वर्किंग लोकेशन, एक प्रकार का वर्क लोकेशन होता है, विल बी एट योर क्लाइंट लोकेशन, जो कि क्लाइंट लोकेशन को भी बोला जा सकता है। इट डज नॉट नीड टू बी योर ऑफिस लोकेशन, इट कैन बी आउटसाइड ऑफ योर कंट्री एज वेल। तो यहाँ पे बताया ना कि कोशिश मैंने ये की है कि ऑन साइट जो है एक प्रकार का लोकेशन होता है, या तो वो क्लाइंट लोकेशन हो सकता है या आपका अपना खुद का कंपनी का लोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। और ये ऑफिस लोकेशन भी हो सकता है ये जो है आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, ठीक है, और आपका आपके खुद के कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है ऑन साइट वर्क का मतलब होता है कि जहां पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होके काम करना है और अपनी सर्विसेज देनी है, तो उसको हम ऑन साइट वर्क बोलते हैं, ऑन साइट काम करना बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप आईबीएम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आईबीएम में आप काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। एंड देन उसके बाद आईबीएम का जो यूएस ब्रांच है वो आपकी सर्विसेज चाहती है यूएस में, तो क्या होगा, आपको आईबीएम जो है अपनी यूएस वाली ऑफिस में भेजेगी कि आपको यूएस में जाके काम करना है। तो दैट मींस आपको आपकी आईबीएम कंपनी ऑन साइट भेज रही है, क्योंकि वहां पर उनका प्रोजेक्ट जो यूएस में चल रहा है आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे है। तो जब आपको वो वहां भेज देगी तो आप ऑन साइट काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि ऑन साइट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑन साइट वर्क के, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑन साइट का है, ऑन साइट वर्क का है, वो है लर्निंग न्यू कल्चर। क्योंकि आप दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, ठीक है, तो आप उनका कल्चर सीखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। देन सेकेंड है टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन। ऑन साइट जाने में एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप टीम वर्क करना सीखते हैं, आप कोलैबोरेशन करना सीखते हैं, आप इंडिविजुअल लर्निंग लर्निंग करते हैं, साथ में जो है आप टीम वर्क के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है नई चीजें सीखते हैं और नई चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है इंडिविजुअली और साथ में कंपनी के तौर से भी, क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है कॉर्पोरेट में, देन यू हैव टू बी एबल टू वर्क एन टीम, ठीक है। तो आपको टीम वर्क करना आना ही चाहिए और कोलैबोरेशन करना आना ही चाहिए। तो ये दोनों बहुत बड़ी चीज होती है, लर्निंग न्यू कल्चर एंड टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। देन तीसरा है नॉट सो इम्पोर्टेंट बट जो आपको एडवांटेज मिलता है वो है कि कंपनी के एसेट्स आप यूज कर सकते हैं, कंपनी के फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, आपको अपना खुद का कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर कोई ऑन साइट जाके काम कर रहा है, दैट इज अ बेटर मॉनेटरी बेनिफिट। तो अगर कोई पर्सन इंडिया में काम कर रहा है, अपनी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगी, उसको जो पे स्केल मिलेगा, दैट वुड बी फार लेसर एज कंपेरिजन टू जो लोग ऑन साइट जाके या बाहर जाके जो काम कर रहे हैं
वो अगर वहां जाके काम करते हैं तो उनको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जो है कमाई जो उनकी है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कुछ चार मेजर एडवांटेजेस हैं दोस्तों ऑन साइट वर्क के, तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।